नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हमारी बेहद खास मुलाकात हो रही है श्री प्रणब मुखर्जी से। सर, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। औपचारिक रूप से तो हम शुरू करेंगे आपको महामहिम राष्ट्रपति कहना, चुनाव होने दो कुछ दिनों में, लेकिन अभी मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, वह है भारतीय राजनीति के महापुरुष। आपको उसी रूप में देखा जाता है और सारी पार्टियां उसी रूप में देख सकती हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है, ये चमत्कार कैसे हुआ कि अलग अलग अलायंसेस और अलग अलग कोएलिशन के धड़ों में से लोग आकर के आपके सपोर्ट में आए, क्योंकि पूरा देश चाहता था कि आपको राष्ट्रपति के रूप में हम लोग देखें। ये सपोर्ट आपने कैसे गैदर किया? देखिए, कभी कभी राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा होता है। 1977 में बिना प्रतिद्वंदिता से संजीव रेड्डी साहब राष्ट्रपति पद पे चुने गए। जब एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी थे तब हम अपोजिशन में थे कांग्रेस, लेकिन हमें उनको भी मदद किया। तो कभी कभी होता है। ऑफकोर्स दिस टाइम इट इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज नॉट ओनली दी सपोर्टिंग पार्टनर्स, दोज यूपीए में ऐसा कुछ दल है जो सरकार में भाग ले रहा है, ऐसा कुछ दल है चाहे समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, जेडीएस हो, वो सरकार में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उन्होंने सरकार को मदद करते हैं, वो आउटसाइड सपोर्ट देता है। तो इसलिए उनका सपोर्ट हमें सोचा वो मिल सकता, इसलिए कोशिश करना पड़ा, सोनिया जी को बातचीत करना पड़ा, उन्होंने बातचीत किया, उनका सपोर्ट मिल गया। लेकिन जिधर से सपोर्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था वो है जेडीयू, शिवसेना, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक। सर, और तो और अन्ना हजारे, ना अन्ना जी तो अपोलिटिकल है, उन्होंने तो उनका तो कोई राजनीति है नहीं। अन्ना जी का है अपोलिटिकल, वो सोशल एक्टिविस्ट है। तो राजनीतिक दल में ऐसा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव एक जमाना था जब राष्ट्रपति के चुनने के लिए जिसका बहुमत था, जो राजनीतिक दल का बहुमत था लोकसभा राज्यसभा में और मेजोरिटी स्टेट में, उसी टाइम वो पार्टी का नॉमिनी आराम से राष्ट्रपति पद चुन जाते थे। वो ये हुआ इंडिया में, चाहे राजेंद्र बाबू हो दो दफे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे तब लड़ाई हुआ, क्योंकि 67 में काफी राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गया थे। बड़ा बड़ा राज्य में, चाहे बिहार हो, यूपी हो, लोकसभा में कांग्रेस का मेजोरिटी था, राज्यसभा में भी मेजोरिटी था, लेकिन मेजोरिटी कुछ कम हो गया था, इसलिए वो कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन आराम से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब चुनाव जीत गया। उसके बाद चाहे भी गिरी कॉन्टेस्ट हुआ, वो तो आलोक परिस्थिति में हुआ, वो तो आपको जानकारी है। उसके बाद चाहे फखरुद्दीन साहब हो, चाहे ज्ञानी जोहल सिंह हो, चाहे आर वेंकट रमन हो, उनका जीतने के लिए बाहर का सपोर्ट का जरूरत नहीं थी। लेकिन शंकर दयाल शर्मा जब चुनाव जीता, बाहर से सपोर्ट आया, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत नहीं थी। उसके बाद जो भी राष्ट्रपति पद से निर्वाचित हुए उनको बाहर का जो दल स्पॉन्सर कर रहा है वो तो है ही, उनका सहयोगी दल तो है ही, कोई ना कोई, अभी तो कोलिशन जमाना चल रहा है, तो कोलिशन के लीडर स्पॉन्सर करते थे, वो तो है ही, लेकिन बाहर से भी मदद मिला। ये 92 से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से शुरू हुआ। इस वक्त सर रियल माहौल ये है कि नियर कंसेंसस है, हमको लगता है कि एक्चुअली 100% कंसेंसस इसमें अचीव किया जा सकता था आपके इस चुनाव में। देखिए, अभी डिफिकल्टीज है। क्यों डिफिकल्टीज है? चुनाव तो यूनैनिमस हो नहीं सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो सकता, ब्रॉड कंसेंसस। लेकिन ये एक प्रॉब्लम था कि कोई पार्टी ने स्टैंड पहले ही अनाउंस कर दिया। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट यूपीए चेयरपर्सन बातचीत शुरू किया, उनका पहले ही कुछ ना कुछ, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
उन्होंने कहा दिया कि ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट हमारा पसंद नहीं है, तो ये पोजीशन में तो थोड़ा डिफिकल्टीज होता है सर। उसके बावजूद पब्लिक ने कहा, उसके बावजूद सर मैं आपकी विनम्रता को सलाम करना चाहता हूँ कि आपने अभी भी चिट्ठी लिखी है ममता जी को कि आपका समर्थन हमको चाहिए। आपको जवाब आ गया? नहीं, जवाब तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ सबको, जो प्रत्याशी के रूप से, उम्मीदवार के रूप से, मैं सभी मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज को मैं चिट्ठी लिखता हूँ। ये मेरा प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट पद में प्रत्याशी मनोनीत हुए है भाई यूपीए, ये राजनीतिक दलों ने मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं आपका भी सपोर्ट मांग रहा हूँ, सबको चिट्ठी लिखा। लेकिन मैं जब दौरान किया, हर एक स्टेट में जब मैं गया, तब मैं बातचीत किया सिर्फ उसी दल के लीडर से और उसी दल के विधायक सांसद से जो दल ओपनली मुझे सपोर्ट किया, घोषित किया। बिल्कुल, तो अभी आप उम्मीद करते हैं कि तृणमूल का समर्थन आपको बाकायदा डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव? उन्होंने तो कहा जो उन्होंने निर्णय करेंगे दो चार रोज में, चुनाव का पहले ही निर्णय करेंगे, तो मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। एक बात आज जो चर्चा में है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने दो बातें कही हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर के बिजनेसेस में थोड़ी फिक्र है कि वो डिटेरियरेट हो रहा है, और दूसरा ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की एक वेव की जरूरत है, एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। तो अभी जो टोटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा आप देखते हैं, उसमें आप इस बात को मानेंगे जो ओबामा साहब ने कही है? देखिए, मैं तो इस सवाल का जवाब दे सकता था 3 हफ्ता पहले होता तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के रूप से ये सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन मैं तो अभी चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो, चाहे कोई पार्टी पॉलिसी हो कि प्रोग्राम हो, उसी पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी मनोनीत हुआ, उसी दिन से मैं जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, उनसे पहले ही मैं मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से भी इस्तीफा दिया। लेकिन ये सवाल तो जवाब देंगे सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है, चाहे फिनेंस मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने जवाब। बिल्कुल सर, मैं उस भूमिका में तो आपसे सवाल मतलब पूछना भी नहीं चाहूंगा। मैं ये कह रहा था कि जो इश्यूज हैं बड़े बड़े, उसमें आपकी दृष्टि है सर। आपके बारे में कहना बड़ा गलत होगा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हुए हैं, आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हो सकते, भले ही आप राष्ट्रपति भवन जा रहे हों। इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि आर्थिक रिफॉर्म की जरूरत आपको महसूस होती है कि इसको एक पुश देना चाहिए? देखिए, इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है, ये उन्होंने निर्णय करेंगे ये कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी लेना चाहिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी के उनका जिम्मेदारी होगा दोनों हाउस से अप्रूवल लेना, मंजूरी कराना। सो इस इशू पर राष्ट्रपति का कोई खास भूमिका नहीं हो सकता, क्योंकि ना जो भी पॉलिसी हो, हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम में पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं मंत्रिमंडलसभा कैबिनेट, उनका अप्रूव करता है चाहे जरूरत हो तो पार्लियामेंट, इनके जिम्मेदारी सरकार का है, प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल, एक चीज जो मुझे पक्का मालूम है कि आप इससे बचना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर पूछा जाना चाहिए, वो ये कि पिछले दिनों हम ही लोगों ने ये कमेंट्री की कि प्रणब बाबू के अचीवमेंट्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स की क्या बात करनी, उन्होंने कमाल किया है। लेकिन अभी जो दौर था वित्त मंत्रालय वाला, उसमें कई चीजें उन्होंने नहीं की या कंजर्वेटिव अप्रोच रखा, जिसके कारण दिक्कत हुई। मुझे लगता है ये अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन है जो हम में से कई लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्यों नहीं कर सकता ये मैं बताया, जो असेसमेंट जब होता है, असेसमेंट लोगों ने करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, सही तरीके से ही करेंगे, यही मेरा प्रत्याशा है। बिल्कुल, अब आते हैं सर दूसरी तरफ, राष्ट्रपति आप जब बनेंगे तो हर कार्यकाल किसी एक खास चीज से डिफाइन होता है, वो एक राष्ट्रीय दृष्टि हो सकती है, आम आदमी
के लिए ज्यादा बात करने का एक तरीका हो सकता है। आपके कार्यकाल के बारे में आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा कि आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको। मुझे तो पहले ये कहना होगा कि राष्ट्रपति का जिम्मेदारी है सबसे पहले भारत के संविधान की गरिमा मर्यादा रक्षा करना। भारत के संविधान ये सिर्फ एक ऐसा कानून नहीं है जो कानून का मकसद है हाउ टू रन द स्टेट, इट इज नॉट ए लीगल इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट ओनली, इट इज ऑल्सो ए चार्टर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे प्रोविजंस है जिस प्रोविजंस का लक्ष्य है कैसे हमारे समाज आगे बढ़े, पिछली वर्ग के लिए कैसे प्रोटेक्शन मिले, कैसे पिछली वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये दिशा हमारे संविधान में भी है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी मौजूदा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड भी हो सकता तरीका से, संवैधानिक तरीका से आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड, उसी मुताबिक जब अमेंडेड होगा तो अलग बात है। लेकिन प्रेसिडेंट्स का काम है जो विधि द्वारा स्थापित कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना। और संविधान की जो मूल अवधारणा है इस वक्त हमारे समाज में कि एक लिबरल प्लूरल इक्विटेबल सोशल जस्टिस वाला, जैसा आपने कहा कि पिछड़ों को आगे बढ़ाना, चार्टर ऑफ द सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इस वक्त इसीलिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। आप क्या कहेंगे या करेंगे पर नजर हम लोगों की क्यों रहने वाली है सर, मैं ये आपसे बताना चाहता हूं। आपकी दृष्टि इतनी व्यापक है कि हमारे पास जो संस्थाएं हैं, मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट की गुंजाइश और जरूरत है, इसकी बात होती है। तो आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस में सुधार पर एक फोकस राष्ट्र का होना चाहिए और ये चर्चा इस देश में होनी चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन वेरी इफेक्टिवली फंक्शन If it is established by well-established institutions, if it is backed by well-established institutions, इसीलिए institution का जरूरी, बहुत जरूरी है institution, institution का necessity है। वो चाहे judiciary हो, चाहे independent media हो, चाहे civil societies proactive role हो, चाहे executives, legislative रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल हो, ये सब इंस्टीट्यूशन का जो काम है ये काम को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। जब भी कोई वीकनेस कोई इंस्टीट्यूशन में नजर में आएंगे, करेक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, डिटेल तो काम जो करना होगा ये जिम्मेदारी तो है कैबिनेट के पास। अभी जो देश की समस्याएं हैं, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है बड़ा अच्छा कि करेक्टिव स्टेप्स तो हमेशा लगातार लेना चाहिए और बात होनी चाहिए। अभी एक मुद्दा है करप्शन का। हमको लगता है कि इस पर मूल रूप से सारी राजनीतिक पार्टियों को बात करके इलेक्टोरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल फंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जैसे क्रिटिकल मुद्दे कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे हैं, और इसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा राष्ट्र राज्य मजबूत नहीं होगा। ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज आर गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स सबको साथ मिलजुल के करना होगा, इसमें मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल फेयर इनफ सर। एक चीज और है, वो है कि हम लोग आजकल एक बात करते हैं बड़ा सुपरफिशियल एनालिसिस कि साहब कोलिशन पॉलिटिक्स हो गई है, रीजनलिज्म का जमाना आ गया है, रीजनल पार्टियां आ गई हैं, लगातार कोलिशन सरकारें हमने देखी हैं। अब बल्कि ये लग रहा है कि दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको कोलिशन धर्म को निभाना और इस सच्चाई को समझना ज्यादा जरूरी लगता है। आपको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस देश की स्थिरता को और चलाने में कोलिशन? अभी तो चल रहा है ना कोलिशन। व्हेन यू स्टार्ट विद द कोलिशन गवर्नमेंट नेचुरली देयर विल बी मेनी टीथिंग प्रॉब्लम्स
एट द इनिशियल स्टेज इन कोर्स ऑफ टाइम जब जब चलता रहेगा तो आप प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होते रहेंगे. ऐसे ही तो सिस्टम फंक्शन कर रहा है. हमारा देश में ऐसा स्थिति था जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू हुआ 1952 से पहले आम चुनाव के बाद, उसके बाद सत्ताधारी दल के लिए नंबर का कोई संकट नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे 52, 57, 62. पहले दफे संकट आया 67 में. उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ वो थोड़ा संकट चला 3-4 साल के लिए. उसके बाद दोबारा 71 से बहुमत मिलने का कांग्रेस पार्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं था. 77 में भी जनता पार्टी को बहुमत मिला, नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. वो पूरा 5 साल काम नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इंडियन इलेक्टोरेट ने मैसिव मेजोरिटी दिया, नंबर दिया. 80-85 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 1989 से जब चुनाव हो रहा है लोकसभा खास करके, कोई दल को अभी तक बहुमत नहीं मिला. इसीलिए आप तो हर रोज निर्वाचन कर नहीं सकती, इसलिए आपको कोलिशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन का तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. देयरफॉर इफ देयर बी नो क्लियर मेजोरिटी इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, कोलिशन बिकम्स इनेविटेबल. और ये इनेविटेबल है, और इसकी वजह से लोकतंत्र हमारा कोई कमजोर नहीं हो रहा है, लोकतंत्र की मजबूती पर इससे फर्क नहीं पड़ता. नहीं, दुबला नहीं हुआ लोकतंत्र, मजबूत ही हुआ, बिकॉज सिंगल पार्टी रूल, मल्टी पार्टी रूल्स इन ए पॉलिटिकल प्रोसेस. You will have to learn many things and you will have to experiment with many things. बिल्कुल सर, उस सवाल पर मैं दोबारा आऊंगा जो मैंने कहा था कि आपका कार्यकाल कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन जाना यानी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना है. मेरा कहना है पब्लिक लाइफ से इंसान, आप जैसा इंसान रिटायर नहीं हो सकता जो 18-20 घंटे काम करता है. तो जो वृहद सामाजिक मुद्दे हैं उनमें कोई प्रिय मुद्दा जिस पर आप काम करना चाहेंगे, जैसे कोई राष्ट्रपति बनने दो, उसके बाद नहीं जब बात होंगे तो जब टाइम होगा तब बताऊंगा, इतना जल्दी क्यों. एक और सवाल है सर, वो ये कि मिराती गांव के बच्चे सबसे पहले राष्ट्रपति भवन की यात्रा करें, ये अगर मैं सुझाव आपके सामने रखूं तो. क्या आपके गांव के जो बच्चे जो आपकी तरह से अभी स्कूल जाते होंगे, जब आप जाते थे आपको पैदल सड़क बना, बिजली आया, इसके साथ तो कोई ना, अभी तो बहुत सारे. मेरे कहने का मतलब है कि मिराती या ऐसे गांव के बच्चे राष्ट्रपति भवन में आए और आपसे बातचीत करें. ये ही तो हमारा डेमोक्रेसी का रिजल्ट है, आउटकम है. ये गांव में रहने वाले एक बच्चों प्रेसिडेंट बन सकता, देश के फिनेंस मिनिस्टर बन सकता, देश के सबसे बड़ा नेशनल पार्टी का हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी का वर्किंग कमेटी का मेंबर बन सकते हैं. ये डेमोक्रेसी का यूटिलिटी है, ये डेमोक्रेसी का प्रोडक्ट है. तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा जो ये वेल स्प्रेड हो, एंड ये हो रहा है. अभी बहुत सारे पिछले सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, बहुत सारे लोग आ रहा है जो पहले खूब लिमिटेड सर्कल से आते थे. बिल्कुल, अभी तो ब्लड बेस्ट हुआ जी. आपने ये कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका पहला दौरा नॉर्थ ईस्ट का होगा, और कुछ और मुख्यमंत्रियों ने और नेताओं ने कहा है कि आप पहले हमारे राज्य. अभी तो सभी स्टेट से रिक्वेस्ट आ रहा है, जो जो स्टेट में जा रहा हूँ तो वो प्रोग्राम जब बनेगा तब मैं बता सकता था, लेकिन मैं दौरान करूंगा. आई विल विजिट दिस स्टेट, सर्टेन ये तो प्रैक्टिस है सर्टेन स्टेट. आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक स्पेंड सम टाइम इन द ईयर, एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेम्बर व्हेन ही स्पेंड्स ही और शी इन हैदराबाद. बिल्कुल, आखिरी सवाल है सर मेरा ये, आपकी जो इमेजरी मुझे याद आती है जब तस्वीरें हम देखते हैं, तो बचपन से ही वो पाइप स्मोक करते हुए आपकी एक तस्वीर जो अभी पिछले दिनों बहुत छपी, वो एक अलग दौर था. अब इसको आप सवाल समझें या सुझाव, मेरा ये कहना है कि अब ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि स्मोकिंग को बढ़ावा देने वाले आप जैसे व्यक्तियों की इस तरह की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से यूज की जाए. मुझे लगता है कि आपको, हम लोगों को, मीडिया वालों को मना करना होगा कि इस तस्वीर को नहीं यूज करो. आप सहमत? अभी तस्वीर आ रहा है विथ पाइप,
आई डू नॉट नो. कहीं भी कोई भी छापेगा ना, अभी आप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो वो पुराने एल्बम वगैरह निकाले जाएंगे. तो मुझे लगता है आप सोचते होंगे इसके बारे में. नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, इसीलिए जे वो तो लोगों ने अपना अपना कलेक्ट कर लेंगे. मैं कैसे छोड़ दिया, मैं शुरू किया जब मैं मिनिस्टर बना 73 में. आफ्टर 20 इयर्स आई स्मोक प्रोफ्यूसली, वेरी भरोसा स्मोकर आई वॉज. बट 93 में मैं डिसीजन लिया, मैं निर्णय कर चुका था कि अभी पाइप स्मोकिंग, सारे स्मोकिंग छोड़ दूंगा. मैं कोई दूसरा सिगरेट और कुछ सिगार कभी कभी पीता था, लेकिन सिगरेट कभी नहीं पीता. आप लार्जली वेजिटेरियन भी हैं? हाँ. और आप लार्जली वेजिटेरियन या भी? या तो 93 में मैं छोड़ दिया, आसानी से छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुआ नहीं. लेकिन अब तो आप नहीं पीते, लेकिन इंडिया का फर्स्ट सिटीजन का वो पुराना तस्वीर भी छपना नहीं चाहिए. आई होप पीपल विल टेक नोट ऑफ इट, योर सजेशन. सर, आपको राष्ट्र की तरफ से तो शुभकामनाएं हैं ही, वो दिख रहा है आपके साथ जो सपोर्ट है उसको लेकर के. सीएनबीसी आवाज की तरफ से भी, दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई. मेरा तरफ से, आपका व्यूअर से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू.